हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले बेयरिंग के बारे में। तो आप सोचोगे सर ये कैसे समझा रहे हो, सिंपल सा एक आइडिया बताऊंगा जिससे आपका बेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा बेयरिंग क्या है, उसके बाद हम टेक्निकल पार्ट में चलेंगे उसके। देखिए, जब इंसान ने चीज़ों को धक्का लगाना स्टार्ट किया, मतलब चीज़ को इधर से उधर लेके जाना स्टार्ट किया, तो तब इस तरह से कोई मान लीजिए ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, या आपके पास कोई पत्थर है बड़ा और उसको धक्का लगाना है, तो इंसान इस तरह से धक्का लगाता और उसके कारण क्या होता, जोर बहुत ज़्यादा लगता क्योंकि ये फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसमें कांटेक्ट ज़्यादा है सरफेस का। तो धीरे धीरे आइडियाज़ आए आइडिया, और ये इवन आपने देखा भी होगा कोई आपके साथ बुजुर्ग कोई खड़ा है, तो वो मान लीजिए आप इस तरह से बड़ी सी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, वो एक कुछ नहीं करेगा, एक गोल लकड़ी या गोल कोई चीज़ लेके आएगा, आपको उसके नीचे रख देगा, उस चीज़ को नीचे रख देगा गोल को, और उसके कारण उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी, आराम से धक्का मारना शुरू हो जाएगा उसको। तो ये देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि बॉल्स, हम कहते हैं बॉल बेयरिंग, कुछ नहीं है, बॉल को जब किसी के नीचे मतलब लोड के नीचे लगा दें, बॉल को, बॉल क्या, कंचे ले लीजिए आप घर से, ठीक है, कंचे तो खेले होंगे ना, तो कंचे ले लीजिए, आपके कंचे भी बॉल बेयरिंग बन जाते हैं। तो बॉल जो है ना आप इसके नीचे रख देंगे, इस तरह से रख देंगे, ठीक है। अभी ये बॉल्स क्या है, अभी ये बॉल्स कांटेक्ट जो बना रही हैं, एक पॉइंट कांटेक्ट बना रही हैं। अब लोड जो है ना इसके ऊपर है, बॉल्स के ऊपर, अब बॉल्स का एक पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है जिसके कारण इसका फ्रिक्शन कम हो गया, अब ये आराम से मूव कर सकता है, बात समझ रहे हो। तो बॉल्स यूज की हमने ईजी मूवमेंट करने के लिए, तो उसको क्या कह दिया, बॉल बेयरिंग, जहां पे बॉल यूज की, और बॉल की जगह पे हमने दूसरी यूज किया, वो हमने यूज किया रोलर। अब देखिए बॉल और रोलर में क्या फर्क है, ये बॉल है तो बॉल बेयरिंग, रोलर है तो रोलर बेयरिंग। ये लेकिन फायदा क्या है इसका, रोलर का ये फायदा है कि हम हैवी वेट उठा सकते हैं। इस मान लीजिए ये तो हल्का है इसलिए ये चल गई बॉल्स, लेकिन अगर ये हैवी होता तो ये बॉल टूट जाएंगी, बॉल इतना हैवी वेट सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए रोलर यूज करेंगे। अब रोलर इसके नीचे अगर रखते हैं तो इस तरह से मैं रख देता हूं, देखिए, ठीक है, और ये इसको, ये देखो वो गई, ये आ गया, देखो, ठीक है। तो भाई ये हो क्या रहा है, रोलर बेयरिंग यूज किया हमने। तो लोड मतलब हमने लोड ज्यादा उठाने के लिए क्या करना है, रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल करना है। अब बेयरिंग बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं, रोलर के साइजेस अलग अलग होते हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टेक्निकल पार्ट में, कि हमारे पास कैसे कैसे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम रोलर का साइज चेंज कर सकते हैं, रोलर हमारे पास ये बड़ा कर सकते हैं, रोलर हम बड़ा करते हैं तो ये देखो, ठीक है, इसके कारण भी इजी मूवमेंट और प्लस हैवी वेट उठाने के लायक बन गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नीडल बेयरिंग। नीडल बेयरिंग में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बेयरिंग के जो हमारे पास रोलर है, इसमें हमारे पास क्या करेंगे, इसका साइज, हाँ, डायमीटर छोटा, ये लेंथ बड़ी कर देंगे, लेंथ बड़ी कर देंगे, तो यहाँ पे ये रखेंगे तो नीडल बेयरिंग हम इस्तेमाल कर देंगे, बात समझ आई। अब करते हैं हम इसका टेक्निकल पार्ट जो बेयरिंग को समझने के लिए चाहिए। पहले तो बात समझ लो हो क्या रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा।